गुड मॉर्निंग टू ऑल. ऑल आर फाइन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास. इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट 6 चैप्टर्स, है ना. वी डिड द रिविजन. ओके, बिकॉज ऑफ अपकमिंग डेज अवर एग्जाम विल स्टार्ट. ओके, फ्रॉम 14th December. 14 दिसंबर से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और उसी के अभी तक हमने रिवीजन कर लिए हैं, है ना. सभी ने रिवीजन स्टार्ट है सभी का. ओके, तो आज से हम हमारा नया चैप्टर सीखने वाले हैं. ओके, हमारे चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन. क्या नेम है हमारे चैप्टर का? फ्रैक्शन. अब हम थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, तो थर्ड स्टैंडर्ड में आने के बाद में नए नए चैप्टर्स तो हमें आएंगे ही, है ना. तो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, तो चलो फटाफट से हम ये सीखते हैं. और सीखने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं मैथ के, है ना, जिसका पेज नंबर है 116, चैप्टर नंबर 7, फ्रैक्शंस. निकाला सभी ने? वेरी गुड. अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना, जिनके सम पार्ट्स शेडेड है और कुछ पार्ट्स जो है बिल्कुल वाइट है, तो उसी का मीनिंग है फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन जो है वो एक पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. अब वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, चलो हम देखते हैं. अब हमारे पास यहाँ एक सर्कल है, सभी को दिख रहा है सर्कल, है ना. अब इसके हम कुछ पार्ट्स करेंगे. ये क्या है, पूरा वन होल वन सर्कल है, है ना. कैसा है, होल सर्कल, होल सर्कल, होल सर्कल है. अब इस सर्कल के हम पार्ट्स करेंगे, तो चलो पार्ट्स करते हैं हम सर्कल के. अब हमने इस सर्कल को बीच में से लाइन कर दी, तो कितने पार्ट्स मिले हमें वन सर्कल के? यस, टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स मिले हमें वन सर्कल के? टू पार्ट्स, है ना. वन सर्कल के हमें मिले टू पार्ट्स, वन होल सर्कल, होल सर्कल के हमें टू पार्ट्स मिले. अब फिर से हम एक लाइन खींच देंगे, चलो खींच दिए हमने लाइन. अब कितने पार्ट्स हुए? यस, वन टू थ्री फोर, है ना, फोर पार्ट्स. ओके, अब फिर से हम अगर लाइन खींच देते हैं, अब काउंट करो कितने पार्ट्स हुए हमारे पास. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट्स, है ना. कितने पार्ट्स हो गए? सिक्स पार्ट्स. फिर से और एक लाइन खींच देंगे हम, अब देखो कितने पार्ट्स हुए हमारे पास. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने पार्ट्स हुए अब हमारे पास? एट पार्ट्स. ओके, तो इस तरह से देखो बेटा, हमने एक होल सर्कल में कितने पार्ट्स बनाए? टोटल एट पार्ट्स बनाए, है ना. कितने पार्ट्स बनाए? एट पार्ट्स बनाए. ओके, अब इसमें फ्रैक्शन कैसा? अब पार्ट्स तो हमने बना लिए, है ना. तो अब हम देखो यहाँ फिर से एक सर्कल बनाएंगे. बन गया सर्कल? ओके, अब इस सर्कल के हमने कर दिए टू पार्ट, है ना. पहले कितना सर्कल था हमारे पास में? वन सर्कल था, उसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए? टू पार्ट्स कर दिए. कितने पार्ट्स किए हमने? टू पार्ट्स, है ना. तो वन
अब हम इसमें क्या करेंगे, वन पार्ट को शेडेड करेंगे, है ना, मतलब इस तरह से हम इसे शेड दे देंगे। ओके, दे दिया शेड। वन सर्कल के, वन होल सर्कल के हमने टू पार्ट्स बनाए, जिसमें से वन पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, है ना, शेड किया हमने वन पार्ट को। ओके, तो ये हो गया वन शेडेड पार्ट। कितने शेडेड पार्ट हो गया हमारे पास में, वन। तो अब हम इसे किस तरह से राइट करेंगे, तो हम इसे राइट करेंगे वन बाय टू, मतलब टू में से वन पार्ट को हमने शेडेड किया और इस तरह से उसे शो किया, और इसे कहते हैं फ्रैक्शन। समझ में आया? अब फिर से और एक एग्जांपल लेंगे हम। वन सर्कल है हमारे पास में, है ना, अब इस सर्कल के हमने टू पार्ट्स बनाए। ओके, फिर से और एक लाइन कर देंगे, अब कितने हो गए हमारे पास में, फोर पार्ट, है ना। यहाँ पे क्या किया था हमने, वन बाय टू, मतलब टू में से वन पार्ट को शेडेड कर दिया था। अब हम अगर यहाँ पर इस तरह से, कितने पार्ट्स को हमने शेडेड कर दिया, टू पार्ट्स को, है ना, दिस इज द वन एंड दिस इज द टू, टू कितने पार्ट्स है हमारे पास में, फोर। तो अब हम इसे किस तरह से राइट करेंगे, यस वेरी गुड, टू बाय फोर। अब फोर मीन्स, हाँ, वन टू थ्री फोर, है ना, ये फोर पार्ट्स, और शेडेड टू मीन्स ये जो टू शेडेड पार्ट्स है वो टू। तो जो पार्ट शेडेड है उसे हम ऊपर राइट करेंगे और जितने टोटल पार्ट्स है वो हम नीचे राइट करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा, टू बाय फोर। ओके, समझ में आया, इसे कहेंगे हम फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर एट पार्ट्स दिए हुए हैं, है ना, एक सर्कल के हमने कितने बनाए, एट पार्ट्स बने। अब अगर हमने इसमें से वन टू अब देखो कितने पार्ट को हमने शेडेड किया है, हमारे पास में कितने थे, एट, है ना, टोटल कितने पार्ट है, एट, कितने शेडेड किए हमने, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अपॉन एट। समझ में आया, फाइव बाय एट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ओके, अब देखो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पार्ट्स दिए हुए है दिए हुए। अब देखो वहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई के कितने विंग्स दिए हुए हैं, टू विंग्स दिए हुए हैं, है ना। अब देखो फटाफट पेंसिल लो क्योंकि साथ साथ में आपको फिलअप भी करना है ना। तो पार्ट शेडेड, अब देखो पार्ट शेडेड, पार्ट शेडेड मतलब कितने पार्ट शेड है, ऑब्वियसली वन पार्ट, राइट डाउन हियर, वन किया। देन पार्ट्स नॉट शेडेड, अब कितने पार्ट शेडेड नहीं है, वन, वेरी गुड। टोटल पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स है, टू पार्ट्स, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। अब फ्रैक्शन देना है तो किस तरह से लिखेंगे फिर हम, वन बाय टू, है ना, जो टोटल पार्ट्स है उन्हें हम नीचे राइट डाउन करेंगे और जितने शेडेड पार्ट है उनको हम ऊपर राइट डाउन करेंगे। किया सभी ने, वन बाय टू। ओके, अब यहाँ देखो कितने हैं पार्ट्स ऑफ शेडेड, टू शेडेड पार्ट है, और कितने शेडेड पार्ट नहीं है, फिर से टू, देन टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर, है ना, वन टू थ्री फोर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बाय फोर। ओके, देन नेक्स्ट हाउ मेनी, थ्री पार्ट शेडेड, है ना, येलो कलर से थ्री दिए हुए हैं, और कितने पार्ट शेडेड नहीं है, थ्री, टोटल कितने हैं, सिक्स, काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर क्या आ जाएगा यहाँ, थ्री बाय सिक्स। किस तरह से राइट डाउन करेंगे हम थ्री बाय सिक्स,
3/6. Okay, then two shaded part, two shaded unshaded part, then four total part, then 2/4. अब यहाँ देखो कितने शेडेड पार्ट दिख रहे हैं हमें, 4 अनशेडेड पार्ट, 4 टोटल कितने हैं, 8. फिर इसे हम किस तरह से राइट टर्म करेंगे, 4/8. ओके, तो सभी को फ्रैक्शन समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। जो शेडेड पार्ट है वो हमें ऊपर राइट टर्म करना है और टोटल पार्ट जो है वो हमें नीचे राइट टर्म करके राइट करने हैं। ओके बेटा, तो सभी को समझ में आ गया इस तरह से तो फ्रैक्शन कैसे करना है। तो आपका ये होमवर्क है ना, सभी ने कंप्लीट कर लिया मैंने अभी बताया। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरे पिक्चर और ये पार्ट है वो आपके नोटबुक में भी आपको ड्रॉ करने हैं। करोगे जल्दी जल्दी से? यस टीचर, बिल्कुल करेंगे। अब फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है हमारा, इसलिए हम पिछला भूलेंगे क्या? नहीं, तो हमें रिवीजन भी हमारे स्टार्ट रखनी है। हमारी एग्ज़ाम है बेटा 14 दिसंबर से, तो एग्ज़ाम की अच्छे से आप लोग तैयारी करो और डेली होमवर्क रखो आपका। डेली आपको टेबल लर्न करना है, स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सम्स डेली आपको 2-2 सम्स रिवीजन के तौर पर कर देखने हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। तो नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।